सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको PSEs के मोबाइल ऐप में, जो अपना यमुना पावर लिमिटेड का मोबाइल ऐप है, उसमें लॉगिन कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉगिन करने की बहुत सारी वजह होती हैं, जैसे कि एक हो गया हमारा बिजली बिल, हमें डाउनलोड करना होता है। कई बार क्या होता है, बिजली बिल आ नहीं पाता या एड्रेस पे मिसिंग हो जाता है, मिस हो जाता है, तो उसे हम ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं उसका PDF फाइल में। तो या फिर एक वजह हो सकती है, कंप्लेंट करना हो सकता है, अपने जो अपने हमारी जो लाइट है उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले करना क्या है, आपको आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में, जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है। सो ओपन करने के बाद सर्च बार खोल लेना है, मतलब तो अपने आप खुल ही जाता है। सर्च बार में जाकर लिखना है BSES ऑफिशियल ऐप, ठीक है, BSES OFFICIAL। हाँ, जो पहला एप्लीकेशन आता है, मैं लिंक भी देने वाला हूँ इसका डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना है। तो जो पहला ऐप आता है, देखिए इसका थीम्स देख सकते हो, तो थीम देख लेना है, अपना ऐप देख लेना है, इसकी रेटिंग वगैरह चेक कर लेनी है। कि मैं दिखाता हूँ, तो ये तो खैर इसका लोगो है ऐप का, और मैं दिखाने वाला हूँ कि इसकी वो क्या है, इसकी रेटिंग वगैरह या कमेंट्स क्या है इसके। तो इसकी रेटिंग है 4.0 के आउट ऑफ 5, तो काफ़ी अच्छी रेटिंग है। और इसमें कमेंट्स भी देख सकते हो, तो कमेंट भी और बहुत सारे लक्ष्मी, तो खैर लाखों कमेंट है, सैकड़ों कमेंट है, तो आपने आराम से पढ़ना। तो ऐप हो चुका डाउनलोड, तो इसे करते हैं अब ओपन। सो ओपन करने के बाद, अभी तो यार कोरोना वायरस का चल रहा है, तो एक नोटिफिकेशन आया कोरोना वायरस रिलेटेड, तो इसको कर देते हैं प्रोसीड, ठीक है। अब ये हमारा पेज ऐसा लोड होने के बाद ये इंटरफेस खुलेगा पूरा, तो काफ़ी नीचे तक जाता है, तो हमें जाना है माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे। जो तीन लोग खड़े हुए हैं ना, इसमें माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो डालने के लिए हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड होना भी चाहिए, तो हमें जाना नीचे नेक्स्ट न्यू यूज़र लिखा देता है ना, उस पर जाना न्यू यूज़र पर, और वहाँ दो चीज़ चाहिए हमें, अपना CA नंबर और मीटर नंबर। तो अपना CA नंबर डाल देना है, तो मैंने डाल दिया, और मीटर नंबर, CA नंबर टॉप पे होता है बिजली बिल के, और मीटर नंबर बीच में होता है, वहाँ तीन चार जगह एक साथ लिखा रहता है मीटर नंबर। तो दोनों CA नंबर और मीटर नंबर एंटर करने के बाद कर देते हैं प्रोसीड, और देखते हैं हमारा प्रोसीड होने के बाद। तो देखिए हमारा प्रोसीड हो चुका है, जिस नाम पे मेरे घर पे जो बिजली बिल आता है, नाम भी आ चुका है, पूरी डिटेल आ चुकी है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी आ चुकी है। तो एक ऑप्शन बैक का, एक प्रोसीड का, तो हमें यहाँ पे कर देना प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक। तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारा एक पेज खुलता है, जिसमें यूज़र नेम पूछ डालने को बोलता है, फिर उसके बाद पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये पांच चीज़ हमें रेडी रखनी है। और इसके बाद ये सारा डाटा एंटर कर देना है। तो दोस्तों, ये जो मैं डाटा एंटर कर रहा हूँ, ये मैं टेम्प्रेरी कर रहा हूँ, तो आगे मैं इसे चेंज करने वाला हूँ, तो इसको आप ट्राई मत करना, इसको सेम टू सेम ऐसा एंटर मत करना, आपको अपना एंटर करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इसका मतलब मैं इसको बाद में एडिट कर दूँगा, मैं इसको बाद में चेंज कर दूँगा। तो यहाँ मैं डाल लेता हूँ MBZB2020, और पासवर्ड मैं डाल लेता हूँ, खैर इन दिनों जब से कोरोना वायरस चला है तब से मेरा एक ही पासवर्ड है हर जगह, कोरोना वायरस 2020 मेरा पासवर्ड यही है हर जगह। तो इसे कर देते हैं आगे, पासवर्ड हम डाल देते हैं। आपको डालने के बाद एक बार पासवर्ड सीन कर लेना, ठीक है, ताकि आप बाद में आपसे मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये पासवर्ड आपका हमेशा चलने वाला है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत हो जाएगी। अगर आप भूल भी जाते हैं यूज़र नेम या पासवर्ड, उसको फॉरगेट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो फिर दोबारा डाल देना है पासवर्ड, कंफर्म कर देना है, फिर यहाँ डालना है ईमेल आईडी, आपका ईमेल एड्रेस, तो मैं डाल देता हूँ अपना ईमेल एड्रेस MDZB2020@gmail.com 2020@। आपको एक बात ध्यान देनी है, यूज़र नेम डालते वक्त या पासवर्ड डालते वक्त कोई स्पेशल कैरेक्टर जरूर लेना है, जैसे @ हो गया, हैश हो गया, ठीक है, या एक मोबाइल नंबर डाल देना है। और मोबाइल नंबर के बाद आप चाहो तो वहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद वहाँ पे एक आता है ना अनेबल फॉर BSES नोटिफिकेशन, उस पर राइट क्लिक कर दोगे तो आपके पास जो भी नोटिफिकेशन होने वाली है BSES से रिलेटेड सारी आने वाली है, तो मैं अभी नहीं करता हूँ उसको ठीक, वैसी नोटिफिकेशन बहुत आती है मेरे पास। तो आप देख सकते हैं योर माई अकाउंट सक्सेस हो चुका है, आपका सक्सेसफुल हो चुका है। तो आइए, अब ये पूछ रहा है आपको पासवर्ड रिमाइंड करना है नहीं करना है, तो मैं नहीं करता हूँ उससे रिमाइंड। तो यहाँ पे दोबारा आपको जो आपने यूजर नेम डाला था, क्रिएट करा था, तो मैं बता देता हूँ MDZB2020 मैंने डाला था, वही आपको डालना है इसमें, ठीक है। फिर अब आपको पासवर्ड डालना है। तो दोस्तों, ये तो आप जानते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड, अब वहाँ पर जो टिक हो रहा है, आ रहा है ना टिक करने के लिए,
निशान सा एक बॉक्स आ रहा है, उस पर लिखा हुआ है कीप मी लॉक्ड इन। मैं बताता हूँ, अगर आप इस पर लॉग इन नहीं करते हैं तो आप क्या प्रॉब्लम आने वाली, ठीक है। अगर आप उस पर राइट क्लिक नहीं करते हैं उस पर तो क्या प्रॉब्लम आने वाली, तो आपका ये लॉग इन होगा ही नहीं, बिना उस पर टिक करे लॉग इन होने वाला ही नहीं है। सो आपको उस पर निशान लगा देना है, मैं दिखाता हूँ आपको, लॉग इन नहीं होने वाला है, प्रॉब्लम दिखा देगा। देखिए योर नेटवर्क प्रॉब्लम दिखा रहा है, कोई ना कोई एरर दिखा देगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे दोबारा करा मैंने, दोबारा एरर दिखा देगा। मुझे भी पहले नहीं पता था, तो मैंने बाद में तीसरी बार में ट्राई करा ना मैंने, तो इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके तब मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। देखिए अब भी नहीं हो रहा है। योर मे बी एक्सपीरियंस प्रॉब्लम विथ योर नेटवर्क, देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम दिखा रहा है, बस पर राइट क्लिक कर देते हैं हम, उस पर टिक कर देते हैं। डाटा एंटर कर दिया हमने पूरा अपना, यूज़र नेम और पासवर्ड, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, उस पर पासवर्ड और यूज़र नेम आपको अपना क्रिएट करना है, किसी का कॉपी नहीं करना है, ठीक है। लॉगिन नहीं होने वाला है, और एक अच्छी बात यह है इसमें आपको कोई OTP वगैरह कोई झंझट ऐसा है ही नहीं, सिर्फ आपको ज़रूरत है मीटर नंबर की, और मीटर नंबर और CA नंबर की। अगर आपको नहीं मिल रहा अपना बिजली बिल में तो आप मुझे कॉल कर लेना, मेरा नंबर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो देखिए आपने राइट क्लिक करा तो हमारा लॉगिन हो चुका है यहाँ पे। लॉगिन होने के बाद हमारा CA नंबर आ चुका है ऊपर, ऊपर लिखा डिटेल, आपको डिटेल पे क्लिक करना है। तो देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ, करंट बिल, बहुत सारे